क्या भाई थक पाए पाकिस्तान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियां दे, आमीन सुम्मा आमीन। तकरीबन सुबह के 6 होने वाले हैं या हो चुके होंगे और आज धुंध यानी कि स्मोक बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 16 नहीं ली मैंने, मैं 16 दिन लगा के आज 17वां दिन है। तो हम साथ जा रहे हैं वापस दुबई और हम उन्हें छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, शनावर, शनावर के बाबा, शनावर की मम्मा, मैं और छोटी मुस्कान जारा। हमारी जो गाड़ी है इसने अपने दोस्त के गैराज में ठहराई, क्योंकि आपको पता है हमारे सहन में गाड़ी ही पूरी आ जाती है, उसके बाद सहन ही नहीं बचता। और पता नहीं 3 महीने लगाते हैं, 4 लगाते हैं या पता नहीं कितना अर्सा, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि गाड़ी किसी महफूज जगह पर खड़ी की जाए। और शनावर के बाबा अपने दोस्त की गाड़ी लाए हैं, उस पर मसाद को छोड़ने जा रहे हैं और देखो कितना खुश है मारका घरों जान छुड़वाने वास्ते। हाँ इतना दिन तक पता है मुझो को संभालना पौधा, सवेरे सवेरे नाल मारका मैं को नींद उठ लेनी, मैंने नहीं उठी सुता क्यों पई था, दुबई क्या नहीं पाकिस्तान है, उत्था वैसी सुकून दिया निंद्रा करे सी, राज रहती ना वाहिद इंजॉयमेंट है फेसबुक चलाव, फेसबुक चले सी मजे करे सी। ये देखे जी जोड़ी खड़ी है, आराम नाल चलाने, धुंध बहुत ज्यादा है, अल्लाह मोला खैर कर दे इंशाल्लाह। धुंध बहुत ज्यादा है सुबह ही सुबह, आज आम रूटीन से ज्यादा है आज धुंध है ना साथ। टोल प्लाजे पे पहुंच गए हैं अभी, एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और जिस तरह से कभी ये जा रहे हैं एयरपोर्ट, इनको छोड़ने जाती हैं, कभी इनको लेने जाती हैं, कभी मैं जाती हूँ मुझे छोड़ने जाते हैं, कभी मुझे लेने आती हैं। सो ये सिलसिला इंशाल्लाह जब तक जिंदा है चलता रहेगा, क्योंकि कमाने के लिए परदेश इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, अपना वतन नहीं आओ तो फिर बिना और वेने पहले चौथे महीने उम्मीद रखू गली देखे जी अभी पहुंचा देंगे और फिर से 10-20 की टेंशन शुरू होगी, या मतलब 10-20 दिन लगा देगी, 10-20 साल हाँ शक्ल लिखी जा साल ना बना साल सही नहीं ना भी साल क्या तू 10 महीने लाचा वही गाल चलो ये मैंने 10 महीने लाचा ये महीने 10 महीने मैं सोचा अलवा मुझे चेक करो Thank you.
जा रहे हो मामू? जहाज बढ़िया बंदे मसाद को तो अंदर हमने इंटर कर दिया है, लेकिन अभी हम इसीलिए बाहर खड़े हुए हैं कि शायद वो दोबारा से बाहर ना निकल आए। अगर वो बाहर निकला तो अभी हमारे पास टाइम है, हम पकड़ के उसको फिर से अंदर भेज देंगे। आप सबको तो पता है ना इसका दिल पाकिस्तान में लगता है जब से ये मेरी जिंदगी में आया है, वरना ये चार चार साल भी लगाता था। एयरपोर्ट पे अच्छा खासा रश है और अभी थोड़ी सी धुंध जो है वो हल्की हो गई है। हाँ, सूरज भी निकल ही रहा है थोड़ा बहुत। तकरीबन 9:30 का टाइम है और 10 बजे की फ्लाइट है। आधा घंटा रहता है, मैंने सोचा कि आधा घंटा इनको बख्श देते हैं, क्योंकि आधे घंटे में अभी ये बाहर नहीं निकलते। हमें पूरी उम्मीद हो गई है तो अभी हम भी घर की तरफ जा रहे हैं। बिल्ले दे डेरे ते नाश्ता करना है ते आ जाओ जी, छोले पराठे। मुल्तान है मेरे नाल, मैं ही मुल्तान हूं। बाबू दा नंबर है, व्हाट्सएप खड़े सनावर दी तस्वीर लगी गई। अभी हम आए हुए हैं बिल्ले के डेरे पे, नाश्ता कर रहे हैं पराठे और छोले का। अगर करना है तो आ जाए, मेरी लाइव हालत देख सकते हैं आप। मेरा हमेशा की तरह बीपी लो हो गया है। अगर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा अंडा वगैरह या हैवी चीज खा लूं तो ब्लड हाई हो जाता है, वरना ब्लड लो हो जाता है। मुझे खुद नहीं समझ आती कि आजकल मेरे साथ चल क्या रहा है। इस्तेमाल करूं जरा लेता हूं चाहे बोले तू डू ऐप को बंद है टीवी का दे। आज मैं आईफोन से वीडियो नहीं बना रही है, देखो क्योंकि स्मोग है उसकी वजह से, और अभी मुझे इसकी एडिटिंग वगैरह इतनी नहीं आती। बस आप करते थे वो आज जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पुराने वाले मोबाइल में ही वीडियो बना लेती हूँ। अगर आप कभी मुल्तान रोड पर बिल्ले के डेरे पे आए तो ये छोले मत खाएं, कड़वे थे, इसीलिए हमने फिर दोबारा दही मंगाई। बिल्ले के डेरे से नाश्ता वाश्ता करने के बाद अभी कुछ तबीयत भी फ्रेश हो गई है। मैं और शनावर पीछे हैं, शनावर का बाबा छोटी मुस्कान और शनावर की मम्मा वो आगे चल रहे हैं। तो अभी हम भी चलते हैं गाड़ी की तरफ और दुआ करें कि हमारा सफ़र जो है खैर खैरियत से गुजरे। और उम्मीद करती हैं कि हमारी आज की वीडियो आप सब बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो आपको पता है YouTube चैनल RJ मेविश को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप लोगों को इस तरह की मिल सकें। इस तरह की तो नहीं मिलेगी क्योंकि अभी घर मेरा भी चैन ही चैन लिखेगी, बाहर कोई ले जाने वाला अब है नहीं। जो ले जाने वाला था उसको तो जहाज़ में बिठाए, अभी उसकी कॉल आई कि हमारी जहाज़ में एंट्री हो गई है। अल्लाह हाफिज़ मरका। हम जा रहे हैं अभी अपने घर। इतना बड़ा मुंह आता है मेरा, अम्मी पता नहीं है क्यों। जो बड़ा घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, शाम हो गई है।